हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन क्लासेस। मैं अभिनंदन सर, एचआर आईपीएस छपरा, आज आप लोगों के लिए लाया हूँ पॉलिनोमियल्स की क्लासेस। ये पॉलिनोमियल्स की क्लासेस आज इंट्रोडक्शन की क्लासेस होंगी, और इंट्रोडक्शन की क्लासेस मैं कॉमन क्लास ले रहा हूँ, क्लास नाइन्थ एंड क्लास टेन। क्लास नाइन्थ और क्लास टेन की कॉमन क्लास है ये। इसमें इंट्रोडक्शन बताएंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, इसको समझेंगे हम लोग, क्योंकि टेंथ में जो गए हैं, टेंथ में जो स्टूडेंट प्रमोट होके गए हैं, वो तो पॉलिनोमियल्स के बारे में उनको पता होगा, क्योंकि ये कॉमन क्लासेस नाइन्थ और टेंथ दोनों के लिए है। तो टेंथ वाले स्टूडेंट्स को कुछ पता होगा, नाइन्थ वाले स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नया चीज है, नया चीज कुछ नहीं लगेगा। टेंथ वाले अगर नया टेंथ वाले कुछ पढ़ चुके हैं फिर भी इस क्लास को लेंगे तो उनके लिए रिविजन हो जाएगा, और नाइन्थ वाले भी समझेंगे इसको, ठीक है। वी कैन स्टार्ट so that we can understand in proper way for the polynomials, okay? तो polynomials को देखते हैं हम लोग। polynomials होता क्या है, ठीक है, polynomials होता क्या, इसको समझने से पहले ना हम लोग समझ लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। polynomials हम लोग पढ़ेंगे क्यों, polynomials है क्या चीज, कोई बड़ा चीज है क्या? obviously बड़ा चीज है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, क्योंकि पता है कि पॉलिनोमियल्स जो होता है ना वो अलजेब्रा के एक पार्ट होता है। अलजेब्रा समझते हो, अलजेब्रा हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लास सिक्स से ही स्टार्ट कर चुके हैं अलजेब्रा, जहां पढ़ते थे ना कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कम्बिनेशन जो होता था, लाइक 2x + 3x + 5y, इस तरह की कुछ बातें हम लोग पढ़ते थे ना, उसका एडिशन पढ़ते थे, सब्ट्रैक्शन पढ़ते थे, तो वहां से हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट किए थे। तो फिर क्लास एट में हम लोग पढ़े थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते थे ताकि क्वेश्चन सॉल्व कर सके, ये सब चीज हम लोगों ने पढ़ा था। तो समझो कि इसमें अलजेब्रा में क्या होता है ना, अलजेब्रा में एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल्स होता है। तो वेरिएबल्स के बारे में पहले समझते हैं पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने के पहले, ओके। वेरिएबल होता क्या है, ठीक है, मैंने क्या बताया वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल्स इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर समझेंगे। वेरिएबल्स क्या होता है, जिसका वैल्यू वेरी करता है, जिसका वैल्यू अननोन होता है, जिसका वैल्यू वेरी करेगा, जिसका वैल्यू अननोन होगा, वो सारी क्वांटिटी वेरिएबल होगा। अब समझो कि वेरिएबल ही पढ़ना है पॉलिनोमियल्स में, वेरिएबल्स को ही पढ़ना है पॉलिनोमियल्स में। तो वेरिएबल अननोन क्वांटिटी है, अगर अननोन क्वांटिटी को फाइंड करना होगा तो जरूरी है पॉलिनोमियल्स पढ़ना। अननोन क्वांटिटी फाइंड करने के लिए हम लोग इक्वेशन का यूज करते हैं। इक्वेशन कहां से बना है, ये बना है पॉलिनोमियल से, क्योंकि दो पॉलिनोमियल्स जब इक्वल हो जाता है तब वो बनता है, तब जब दो पॉलिनोमियल इक्वल हो जाएगा तब वो इक्वेशन बनता है। तो उस कंडीशन में हम लोग अननोन वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो मतलब अगर समझो कि क्लास एट में लीनियर इक्वेशन पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पढ़े थे, अगर पॉलिनोमियल पढ़ लेते हैं, पॉलिनोमियल का पार्ट पढ़ लेते हैं, तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन जो होगा, टाइप्स ऑफ इक्वेशन लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लो, क्यूबिक इक्वेशन देख लो, ये सारे क्वेश्चन को हम लोग इजिली सॉल्व कर पाएंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, समझ में आए कि पॉलिनोमियल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स देखो क्या होता है, पॉलिनोमियल्स जो है ना, पॉलिनोमियल्स इट इज मेड बाय टू वर्ड्स, पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से बना है। ये दो वर्ड क्या क्या है, पॉलिनोमियल दो वर्ड से बना है, ये दो वर्ड क्या क्या है, एक है पॉली और दूसरा है नोमियल, पहला है पॉली और दूसरा है नोमियल। देखो पॉली क्या होता है, पॉली इट इज अ ग्रीक वर्ड, पॉली क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक से लिया गया है, इसका मतलब होता है इट मीन्स मेनी, पॉली मीन्स मेनी, पॉली मीन्स मेनी, पॉली क्या होता है, पॉली का मतलब हो गया मेनी, ये ग्रीक वर्ड है। और फिर नोमियल, नोमियल क्या होता है, नोमियल एक लैटिन वर्ड होता है जिसका नोमेन से लिया गया है, नोमियल एक लैटिन वर्ड नोमेन से लिया गया है जिसका अर्थ होता है नेम और टर्म्स, नेम और टर्म्स। तो अब इससे समझो क्या हो जाएगा, तो पॉलिनोमियल्स को इसे मिलाएंगे, दोनों वर्ड को कंबाइन करो तो क्या हो जाता है, बोर्ड हिल जा रहा है क्या, प्रॉब्लम नहीं है, हाँ ठीक है।
पॉलीनोमियल क्या हो जाएगा, ये देखो क्या पॉली मीन्स मेनी और ये क्या हो गया नोमियल मीन्स टर्म्स, क्या हो जाएगा पॉलीनोमियल्स मेनी टर्म्स, पॉलीनोमियल क्या हो जाएगा मेनी टर्म्स, जहां पे बहुत सारे टर्म्स होंगे। ये टर्म्स क्या होता है, ये टर्म्स होगा क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स क्या हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स को समझेंगे कि टर्म्स कितने तरह के होते हैं, ये नाइन्थ में भी पढ़ना है टेंथ में पढ़ना है, इसीलिए मैं इसका एक ना कॉमन क्लास ले रहा हूं ताकि टेंथ वाले स्टूडेंट्स का रिविजन हो जाए और नाइन्थ वाले स्टूडेंट्स को उनको पकड़ बन जाए इसमें पॉलिनोमियल्स में और पॉलिनोमियल समझने में इजी हो जाए। ओके, और हम आशा करते हैं आप सभी लोग इस चैप्टर को एंजॉय करेंगे क्योंकि फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर पढ़े थे ना, रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर मिथिलेश सर पढ़ाए और सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल मैं लेकर आया हूँ। सारी चीजें बहुत आसान हो जाएगी, समझ में भी आएगी, जहां भी नहीं समझ में आएगा ना वीडियो को पॉज करो फिर समझ लो, या तो नोट करने वाला चीज है उसको नोट करो, अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो मैं आपके लिए एक पीडीएफ भी बना करके इसमें अटैच कर दूंगा, आप उसको पीडीएफ का लिंक भी रहेगा, पीडीएफ भी डाउनलोड कर लोगे। ओके, तो फिर समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।